अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूं कशफ मलिक। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम जुमेरात के सुबह जब कराची एयरपोर्ट से मकामी 5-स्टार होटल मरकजी दरवाजे की जानिब आई तो सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ दिखा। लंदन से कराची पहुंचने के बाद टूटी हुई सड़क पर मेहमान टीम की बस हचकोले खाते हुए होटल की पार्किंग में दाखिल हुई। कराची में 2 5-स्टार होटलों के दरमियान वाकया क्लब रोड का बड़ा हिस्सा हालिया बारिशों से टूट फूट का शिकार है और बड़े गड्ढे बन गए हैं। कमिश्नर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी हाउस से गुजरते हुए जब आप 5-स्टार होटल में दाखिल होने लगे तो टूटी हुई सड़क और गड़े इंतजामिया की बेहिसी और शहर की तबाही का मंजर पेश करते हैं। कराची के इलाके डिफेंस की वाटर सप्लाई लाइन पर क्रोंगी चक्रा घोट में एक बार फिर बड़ा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट कायम कर दिया गया। हाइड्रेंट के लिए डिफेंस को पानी सप्लाई करने वाले 48-इंच कतर की मेन लाइन से 6-6 इंच के 2 कनेक्शन लिए गए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक इस मकाम पर 10 साल कबल बंद किए गए हाइड्रेंट के पुराने कनेक्शन भी मौजूद हैं। जमान थाउन थाना की हदूद में कोरंगी चक्रा घोट में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा के प्लाट पर बड़ा आहनी गेट नस्ब किया गया है और इस मकाम से आम गाड़ियों का रास्ता बंद कर दिया गया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क भर में सैलाब के बायस गजाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सीनियर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर गजाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। ख्याल रहे कि मुल्क भर में सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर फसलें जेर आब आई थीं, जिसके बाद खबरें सामने आई थी कि मुल्क में गजाई किल्लत का खदशा बढ़ गया है। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल ने अगले माह शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद की है। कामरान अकमल ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये टीम चीफ सेलेक्टर, कोच और कप्तान की पसंद से बनाई गई है। कल को अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते तो ये सब अपने ऊपर दबाव लेने की बजाय क्रिकेटर पर बोझ डालेंगे। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जबकि टीम तो आपने ही सिलेक्ट की थी। विकेट कीपर बैटर ने कहा कि इस टीम को देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर टीम का ऐलान किया गया। ये स्क्वाड एक बार फिर अपनी दोस्ती जारी के लिए बनाया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मूसलाधार बारिश के अमकान को रद्द करते हुए कहा गया है कि शहर कायद में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमा 16 सितंबर को जारी बयान के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं, जबकि आज कराची का मौसम आबर आलूद रहेगा। सुबह सवेरे से ही कराची पर गहरे सरमई बादलों का गश्त जारी है। बारिश से मुतलिक मीट ऑफिस का कहना है कि कराची में बारिश का हवाई इम्कान नहीं है, ताहम आज दोपहर और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के औकात में ये कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाही, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाही, चिकन रेशमी कबाब, फिश ब्रोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तियाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप नज़्द गला मंडी लिया। प्रोप्राइटर मोहम्मद इकबाल। फोन 03008764611।